हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? वेलकम टू द वीडियो। मेरा नाम हर्षित है और एलिगेंट फैक्ट्री में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो का टाइटल आप देख पा रहे हो यार कि वर्किंग आवर्स इन सेल। ठीक है, सेल्स के अंदर क्या टाइमिंग रहती है, कितने घंटे की नौकरी होती है आपकी। ठीक है, इसके रिगार्डिंग अपन डाउट सॉल्व करेंगे भाई। इसके रिगार्डिंग एक वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ, अगर आपने वो नहीं देखी तो एक बार वो देख लो यार। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। सेल्स के अंदर ऐसा है, तो टाइमिंग्स है ना वेरी कर सकते हैं। ठीक है, ऑफिशियल टाइमिंग्स मान लो किसी कंपनी में 10 से 8 है, किसी में 10 से 7 है। ठीक है, लेकिन जिस दिन आपके मान लो आप सारे दिन बैठ के आपने मेहनत करी है, ठीक है, आपने अपने क्लाइंट बनाए हैं, प्रोस्पेक्ट्स बनाए हैं, जिसे प्रोस्पेक्ट बोलते हैं, मतलब कस्टमर आपने तैयार किए हैं अपने, कि ये बंदा मेरी बात समझता है और ये बंदा मेरे से प्रोडक्ट लेने को तैयार है। ठीक है, तो भाई कस्टमर मान लो कई बार है ना ऑफिस आवर के बाद का टाइम दे देते हैं कि आप मेरे को रात को कॉल कर लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि 10 से 7 के बीच में कई बार कस्टमर अवेलेबल नहीं हो पाता वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए। ठीक है, या फिर उस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए, या फिर और डिटेल जानकारी के लिए उसके पास वो समय नहीं होता भाई। ठीक है, तो वो समय वो कहाँ से लेके आता है भाई? वो ऑफिस आवर्स के बाद समय निकालता है। ठीक है, तो अब उस ऑफिस आवर्स के बाद भी है ना आपको उस क्लाइंट के लिए अवेलेबल रहना पड़ेगा। ठीक है, अब आप यूँ समझ लो कि अगर आपको पैसे कमाने की भूख बहुत ज़्यादा है ना, तो सेल्स की प्रोफाइल आपके लिए बनी है। ठीक है, तो सेल्स की प्रोफाइल में अगर आप काम करते हो, तो ऐसा, तो मैं उस सेल की बात नहीं कर रहा भाई कि जो सड़क पे खड़े होकर बेचते हैं। ठीक है, मैं उस टेली कॉलिंग की बात कर रहा हूँ। टेली कॉलिंग के अंदर आपको क्लाइंट को, हो सकता है आपको 7-8 बजे के बाद भी रात को घर पे जाकर थोड़ा सा टाइम देना पड़े। ठीक है, मैं मेरा पर्टिकुलर केस देता हूँ, हालांकि उन बातों को 2 साल हो गए, लेकिन मेरे पर्टिकुलर केस में भी जो मेरी 2-3 सेल आई थी ना, जिसमें कि मेरे सीनियर्स का बहुत ज़्यादा योगदान था, उन सीनियर्स ने अपने घर पे जाके उस क्लाइंट से, जैसे रात का टाइम लिया तो क्लाइंट से रात को बात करी। ठीक है, तो उसने रात को पेमेंट करी, या उसने जो समझना था उसने वो रात को समझा। ठीक है, अच्छे से तसल्ली से। ठीक है, मैंने खुद भी कई बार 9:30-10 बजे तक भी बात करी है। ठीक है, लेकिन वो मेरे पर्सनल नंबर से बात की है। ठीक है, एक रैपो बिल्ड करने के लिए, अगर क्लाइंट चाहे तो वो अपना नंबर शेयर कर देता है यार। ठीक है, कि आप मेरे को इस नंबर पे कॉल कर लेना, समझ रहे हो? तो भाई टाइमिंग्स बेसिक सी है। और कई बार ऐसा भी होता है भाई, अगर मान लो आप, जैसे आपकी सुबह अर्ली मॉर्निंग में आपने स्टार्ट किया, आपकी मॉर्निंग में 2-3 सेल आ गई, उस दिन आप है ना बड़े रिलैक्स होते हो। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो अपने TL से रिक्वेस्ट करके शाम को जल्दी छुट्टी भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये जो छुट्टी वाला टाइप क्राइटेरिया है ना, ये फ्लेक्सिबल रहता है भाई। ठीक है, ज़रूरत के हिसाब से आपको छुट्टियाँ मिल जाती हैं। ठीक है, और कई बार बहुत ज़्यादा काम होता है, टारगेट्स पूरे नहीं हो रहे होते, तब छुट्टी नहीं भी मिलती। ठीक है, तो प्रेशर रहता है। ठीक है, लेकिन आप यूँ बिल्कुल रिजिड मत हो जाओ यार कि फ्लोर पर टाइमिंग्स क्या रहती है। भाई टाइमिंग्स वेरी करती हैं, कई बार फ्लोर पर भी टाइमिंग्स जैसे 10 से 7 की है, लेकिन आपकी जो कॉलिंग है ना 7 बजे के बाद भी चल रही है। क्यों? क्योंकि आपका क्लाइंट आपके साथ लाइन पर बना हुआ है। ठीक है, कॉलिंग पे बना हुआ है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखो यार। ऐसे नहीं कि आप 10 से 7 की है, 7 बजे के बाद मैं बिल्कुल काम नहीं करूँगा, वो वाला नहीं है, आपने लालागिरी नहीं है भाई। ठीक है, कि 7 बजते ही दुकान बंद कर देनी है ना, फ्लेक्सिबल रहना है और ओपन टू अर्न, पैसा कमाने के लिए हमेशा तैयार वाली साइकोलॉजी के साथ चलना। इस साइकोलॉजी के साथ आगे बढ़ोगे तो भाई थोड़ा सा रिलैक्स फील करोगे। अगर टारगेट पूरे नहीं हो रहे तो थोड़े से हाथ पैर भी मारोगे, और हाथ पैर कब मारते हैं? हाथ पैर आप या तो ऑफिस आवर्स के बाद मारोगे, ठीक है, या ऑफिस आवर्स में मारोगे। ऑफिस आवर्स में नहीं काम हो पा रहा तो ऑफिस आवर्स के बाद भी मारोगे, समझ रहे हो? टाइमिंग्स वेरी करती हैं भाई, तो इस चीज़ को लेके आप लोगों को बहुत ज़्यादा दबाव नहीं लेना यार, ये तो मेरे को 7 बजे के बाद भी काम कराते हैं। भाई सिंपल सी बात है, अपने काम को अगर आप प्यार करोगे ना, अपने पैसे से प्यार करोगे कि यार इस क्लाइंट से अगर मैंने सेल कराई तो मेरे को ये पैसा मिलेगा, तब तो सेल लाइन आपके लिए है और आप सेल लाइन में टिक भी जाओगे, समझ रहे हो? तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप फ्लेक्सिबल हो जाओ टाइमिंग को लेके, मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव होके नहीं चलना यार कि सेल में ऐसे एकदम बहुत ज़्यादा काम कराते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं, बहुत ज़्यादा डांटते हैं, बहुत ज़्यादा गालियाँ देते हैं, ऐसा नहीं होता भाई। किसी जगह पे टॉक्सिक एनवायरनमेंट होता भी है, मैं मानता हूँ, लेकिन उस टॉक्सिक एनवायरनमेंट को इग्नोर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि उसको दिमाग पे चढ़ने ही ना दो यार, इग्नोर करो। ठीक है, कुछ आपके काम की बात लगे तो सीख लो। ठीक है, तो इस वीडियो का भाई यहीं पे ख़त्म करते हैं। बने हुए हो तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब तो आप कर दोगे, और कमेंट्स करा करो यार, ताकि मेरे को पता चले कि मार्केट में चल क्या रहा है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय।